हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने वन प्लस इलेवन पे यूजर कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे काम करता है और इसका क्या यूज है। यूजर स्विच ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखिए यूजर एंड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही आपका मोबाइल यूजर स्विच करने के लिए इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ से यूजर स्विच कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि यूजर स्विच है क्या। देखिए, अभी मैं जो इस मोबाइल को यूज कर रहा हूँ, प्राइमरी यूजर हूँ, ये एडमिन हूँ, तो इस यूजर में ये सारे ऐप और डाटा वगैरह यहाँ पे हैं, जैसे कि गैलरी, इंस्टॉल्ड ऐप, जितने सारे मोबाइल के डाटा हैं वो एक यूजर के लिए हैं। अगर मैं यूजर स्विच कर दूंगा तो ये सारा डाटा है वो अगले यूजर को दिखाई नहीं देगा। चलिए करके दिखाता हूँ। सेटिंग में चलते हैं, यूजर एंड अकाउंट में जाते हैं और एक यहाँ पे गेस्ट यूजर दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए, अलाउ कॉल्स, अगर जो नया यूजर स्विच कर रहा है उसमें कॉल अलाउ करना है कि नहीं, तो मुझे अलाउ करना है, इतना करके मैं इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे स्विच ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ। देखेंगे कि आपका मोबाइल का जो है वो पूरा डाटा स्विच हो जाएगा। अभी नए यूजर में लॉगिन करते ही वो जो प्रीवियस यूजर के ऐप वगैरह थे वो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कॉल हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपका मोबाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी प्रीवियस यूजर वाला नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी को मोबाइल देने वाले हों, आपके घर में बच्चे हैं, तो आप यूजर स्विच करके ज़रूर दें ताकि वो आपके फुल डाटा को एक्सेस ना कर सके, जितना उसको ज़रूरत हो उतना ही एक्सेस कर सके, या आप जितना उसको देना चाहते हैं परमिशन उतना ही आपके मोबाइल को एक्सेस कर पाएगा। तो यूजर स्विच ऑप्शन है वो बहुत कमाल का है और ये यूजर स्विच ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टेटस बार में भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ही ऊपर में स्विच यूजर का आइकन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे गेस्ट और जो अभी गेस्ट यूज़र है वो एक और जो मेरा एडमिन यूज़र है वो, तो अगर मैं यूजर को स्विच करना चाहूँ तो यहीं से क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। देखिए, दिखा देता हूँ मैं फिर से वापस अपने एडमिन यूजर में स्विच करके। यहाँ से जाएंगे, स्विच में क्लिक करेंगे और देखिए मेरा मोबाइल स्विच हो रहा है और वापस प्रीवियस यूजर में आ जाता है। और देखिए अभी मैं ऐप वगैरह जो भी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल थे वापस से मैं यूज कर पा रहा हूँ। तो यूजर स्विच ऑप्शन बहुत ही कमाल का फीचर है, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल आपके अलावा कोई और भी चलाता है तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।